धीमी गति से चल रहे ऑल वेदर सड़क निर्माण के चलते अब आम लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। आए दिन पेयजल आपूर्ति ठप होना, लाइट का घंटों तक गुल रहना, सड़कों पर धूल के गुब्बार उठना, कई दिनों तक ओएफसी लाइन कटने से कनेक्टिविटी का बंद रहना, भरी धूप व बारिश में भी जाम फंसे रहना, जैसे अब तो रुद्रप्रयाग जिले में आम होते जा रहा है। वहीं सड़कों को इतना खुर्द बुर्द कर दिया गया है कि कभी भी बड़ी अनहोनी घट सकती है। एसडीएम सदर देवानंद शर्मा का कहना है कि नागरिक सुविधाओं को तत्काल बहाल करने के शासन से कड़े निर्देश दिए गए हैं, साथ ही प्रशासन के द्वारा भी समय समय पर मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में यदि कार्यदायी एजेंसियां द्वारा नियमों की अनदेखी की जाती है तो इस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। जबकि सरकार ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि मानसून काल से पहले ही पहाड़ी कटिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, लेकिन अभी भी यहां कटिंग कार्य जारी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कार्यदायी एजेंसियों पर प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण ही नहीं है, जिससे एजेंसियां बेखौफ होकर अपने कार्यों में धीमी गति से लगी हुई है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से सड़कों का काम किया जा रहा है, उस सड़क के काम से जो हमारे आमजन जो जनहित प्रभावित हो रहे हैं, बिजली की जो खंभे टूटने से जो बिजली की आपूर्ति हो रही है, पूर्ति नहीं हो पा रही है, और ओएफसी की लाइनें हैं, तीसरे जो आपके जो पानी की जो लाइनें जुड़ी हुई हैं, इसके खोदने से तमाम चीज़ें बाधित हो रही हैं, जिससे जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है और आम नागरिकों को इसका काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने खुदाई का काम कर रखा है, जिस प्रकार से पहाड़ियों को कमजोर करने का इन्होंने काम कर रखा है, बरसात का मौसम है, कहीं पर भी कोई घटना घट सकती है, पत्थर जो पहाड़ियों पर लटके हुए हैं, इससे बड़ा खतरा है। और आम जीवन जो हमारा आवागमन करता है, जो अपने गाँव से बाजार को अपने सामान खरीदने, वो अपने हॉस्पिटल से लेकर संबंधित है, अपना दिन पर दिन के जो बाजार में जो अपने काम के लिए आते हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि पत्थर हर समय मन में एक डर बना हुआ रहता है कि किस तरीके से हम इस पहाड़ी को पार करें। तमाम पहाड़ियां कमज़ोर हो चुकी है, इस पर इनको विशेष कर ध्यान रखना पड़ेगा और आम जीवन आम जनता के जो परेशानियाँ उसको भी देखते हुए इनकी जान माल को सुरक्षित करने का जिम्मा इस कार्यदायी संस्था को लेना पड़ेगा। ऑल वेदर रोड के लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा जो है जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो उनका यूटिलिटी शिफ्टिंग है वो तत्काल करेंगे और उसके लिए उनको जो है अग्रिम भुगतान भी किया जा चुका है। डीएम साहब भी बार बार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं और मौके पे जो है अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं, तो हो सकता है कहीं पर जो है इक्का दुक्का कहीं कमी होगी, लेकिन ऑलमोस्ट जो है यूटिलिटी जो शिफ्टिंग हो रहा है। हाँ, ये जो कार्यदायी संस्था है और जो NH के एक्सीएन साहब हैं उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होना ना पाए। हमारी 7 किलोमीटर क्या नाम है लगभग हिल साइड कटिंग का काम पूर्ण हो गया है और WMM और GSB का काम प्रगति पे है। वर्तमान में क्या नाम है हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार कटिंग का कार्य जो 500 मीटर के दायरे में डंपिंग हेतु प्रतिबंधित किया गया था, उस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है, जिस कारण कटिंग का काम पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। उस कारण क्या नाम है हमारी क्या नाम परियोजना प्रभावित हो रही है, तो कोशिश कर रहे हैं कि 500 मीटर के बाहर हम डंपिंग डाउन ढूंढ के अतिशीघ्र कार्य प्रारंभ करा लें। विद्युत विभाग और जल संस्थान और जल निगम को पैसा पहले ही दे दिया था, अगर कहीं ऐसी बात आती है कि जन सुविधाओं का उनके द्वारा अतिशीघ्र निस्तारण नहीं किया जा रहा है तो उनको कड़े निर्देश देने के लिए कार्रवाई की करेंगे। संबंधित ठेकेदारों को कड़ा निर्देश दे दिया गया है, कहीं पे भी कोई गड्ढा रोड पे नहीं होना चाहिए, सेफ क्या नाम है सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम उनको द्वारा किया जाना है, और अगर उनके द्वारा नहीं किया जाता है तो विभागीय अवस्था कार्रवाई हम करने को तैयार हैं। नहीं, सरकार को मतलब जिस तरह से वो हमारे के ऊपर लगा रहे हैं कि भाई तुम्हें फिर स्पीड गवर्नर लगवाना ये लगवाना, हम सारे नियमों को तैयार हैं करने के लिए, लेकिन जो ये रोडों पर गड्ढे हैं जिस तरह से ये रोड के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं तमाम, अभी हमारे रोड पर अगस्तपुनी में जो काम चला है NH एक एक साल नहीं हुए, वो रोड के सारे रोड टूट चुकी है, तो उसका व्यवस्था कौन करवाएगा? सरकार को पहले इन रोडों को ठीक करनी चाहिए, उसके बाद आगे जो भी हमारे लिए वो दिशा निर्देश करेंगे हम उसका नियम करेंगे पालन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो उत्तराखंड न्यूज़, रुद्रप्रयाग।